नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात खरगोन की, यहां पर रेल की मांग को लेकर भूख हड़ताल हो रही है। तस्वीर आपको दिखाते हैं ताप्ती नर्मदा रेलवे लाइन संघर्ष समिति का, ये प्रदर्शन हो रहा है। कलेक्ट्रेट के सामने टेंट लगाकर इन्होंने धरना प्रदर्शन शुरू किया। खंडवा से खरगोन बड़वानी अलीराजपुर तक रेल लाइन की मांग इनके द्वारा की जा रही है। नारेबाजी कर समिति ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, सर्वे नहीं रेल लाइन की घोषणा की मांग हो। जनप्रतिनिधियों पर उपेक्षा का आरोप भी इनके द्वारा लगाया गया है। मंजूरी मिलने तक भूख हड़ताल जारी रहेगी इनके द्वारा। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले रेल की मांग को लेकर खरगोन में जो है समिति क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठ गई है, और जो दामोदर जी हैं जो अध्यक्ष है समिति के, वो आमरण अनशन भी कर रहे हैं। क्या है मांग है आपकी, क्या कहना चाहिए? हमारी मांग है कि खंडवा से लेकर अलीराजपुर तक की रेल स्वीकृत हो। मंत्रालय तो रेल स्वीकृत करने को तैयार है, मंत्री जी भी रेल स्वीकृत करने के तैयार है, भारत सरकार रेल स्वीकृत करने के लिए तैयार है, परंतु हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि यहाँ रेल आए। सर्वे की बात की जा रही है, फिर आप लोग क्यों बैठ गए? ये बात सर्वे की जरूर हो रही है, लेकिन स्वीकृति कई बार सर्वे की बात आती है, और बजट भी एक एस्टिमेट बताया गया था कि 5,689 करोड़ का, लेकिन इसकी स्वीकृति के संबंध में कई आज तक कुछ नहीं होता है। सर्वे तो कई बार हो चुके, एक बार 2010 में हो चुका है, 2,000 करोड़ का जब था, अभी 5,689 करोड़ का एस्टिमेट जरूर बताया जाता है, लेकिन स्वीकृति आज तक नहीं आ पा रही है, और अभी के बजट में कुछ भी बात नहीं, जबकि अश्विनी वैष्णव जी से प्रत्यक्ष रूप से समिति के सदस्यों की बैठक हो चुकी थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि साहब हम इस बारे में जरूर आपका निमाड़ को रेल प्रदान की जाएगी, लेकिन नहीं कुछ बजट में आने के वजह से फिर ये। तो आपको क्या लगता है कि ये मतलब रेल की मांग पूरी हो जाएगी, आजादी के बाद से नहीं हो पा रही? देखिए, सालों से आश्वासन की रेल तो चल चुकी है, अब हम ठान के बैठे हैं कि यहाँ पे असली रेल में आए। ये कब तक रहेगा क्रमिक भूख हड़ताल? और ये शासन ने ध्यान देना चाहिए हमारी तरफ, जितनी जल्दी वो कर सके, हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी निर्णय ले तो हम खत्म कर देंगे, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है निमाड़ के लिए, नहीं तो हम पिछड़े ही रहेंगे हमेशा। आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों को क्या सुविधा है? ये कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि रेल के मुद्दे पर अब जो लोग हैं खुलकर आ गए, आज़ादी के बाद से खरगोन एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ रेल की सुविधा ही नहीं है, अब लोग क्रमिक भूख हड़ताल के साथ आमरण अनशन कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी वो उनका जो क्रमिक भूख हड़ताल आमरण अनशन जारी रहेगा। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन।